नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुधीर राजपूत है। आप देख रहे हैं टेक्निकल सुधीर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आज जो मोबाइल आ रहे हैं मार्केट में उसमें नॉन फ्यूजन रिमूवेबल बैटरी क्यों नहीं आ रही है, और जो पहले फोन आते थे उसमें क्यों आती थी, अभी कंपनियों ने क्यों बंद कर दी है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, बेसिकली आईफोन तो कभी भी नॉन यूजर रिमूवेबल बैटरी मतलब हमेशा से ही दे रहा है, वो उसने कभी भी रिमूवेबल बैटरी नहीं दी है। यूजर रिमूवेबल बैटरी अभी तक जो आईफोन का लेटेस्ट मॉडल है और जो फर्स्ट मॉडल है उससे लेके अभी तक, तो इससे क्या होता है, इससे मोबाइल स्टाइलिश लगता है, मोबाइल का लुक अच्छा लगता है। मतलब कंपनी जैसा चाहे वैसा बना सकती है, अगर उसे बैटरी यूजर रिमूवेबल बनानी होगी तो वो लोग इतना अच्छा नहीं बना पाएंगे। आप समझ रहे होंगे 2012-2013 में फोन आते थे, कुछ मैंने देखे हैं तब बैटरी निकल जाती थी तो इतने स्टाइलिश नहीं बन पाते थे, वाटर प्रूफ नहीं हो पाते थे। अब हम वाटर प्रूफ कर सकते हैं, अगर नॉन यूजर रिमूवेबल बैटरी है तो हम वाटर प्रूफ सेट को बना सकते हैं, क्योंकि वो सेट की बैटरी तो सीधे सर्विस सेंटर पर ही खोलेगी जाके, ना कुछ जो उनके स्पेशल स्क्रू वगैरह होते हैं उसी से खोलती है। हाँ, बैटरी सभी की निकलती है लेकिन हम नहीं निकाल पाते। बहुत लोग कहते हैं हिम्मत पहली रहती है कि इसकी बैटरी नहीं है, इसमें बैटरी यही निकलती, इसमें बैटरी यही नहीं, बहुत लोग ये समझते इसकी बैटरी यही नहीं, इसमें मतलब सेट में सभी सेट में बैटरी होती है, पर इतना होता है बस कि एक होती है नॉन यूजर रिमूवल बैटरी, एक होती है यूजर रिमूवल बैटरी। यूजर रिमूवल बैटरी थी वो पहले आते थे सेट, तो उसे हम घर पर ही चेंज कर सकते थे, दो दो बैटरी कैरी कर सकते थे तीन तीन, अगर लाइट वगैरह की प्रॉब्लम है गाँव वगैरह में तो दो दो बैटरी तीन तीन लोग चार्ज करके रखते थे। और अभी तो बेसिकली मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया है, पावर बैंक वगैरह आ गई हैं, आई होप आप समझ रहे हो मेरी बात को। तो देखिए, आप समझिए मेरी बात को, देखिए होता क्या है, जो यूजर रिमूवल बैटरी होती है वो हम निकालते हैं डालते हैं तो उससे क्या होता है, वो जल्दी खराब होने का खतरा रहता है, खतरा रहता क्या हो ही जाती है लगभग। और जो नहीं निकलती है बैटरी वो तो पड़ी रहती है, वो डायरेक्ट सर्विस सेंटर पे जाएगी, वहां जाएगी तो चार्ज लगेगा, तो इसीलिए मतलब बेसिकली वो नहीं निकल पाती है, जब वो खराब होती है तभी निकलती है, इसीलिए उसकी लाइफ भी वगैरह बढ़ जाती है। और इससे कंपनी, देखो कंपनी ने ऐसा क्यों किया है, अगर बैटरी खराब होती है तो बहुत लोग क्या करते हैं सर्विस सेंटर पर नहीं जाते हैं, वहां थोड़े बहुत रुपए ज्यादा लेते हैं तो दुकान में चले जाते थर्ड थर्ड क्वालिटी की बैटरी ले आते हैं। बैटरी पर लिखा होगा, मान लीजिए सैमसंग का फोन है, सैमसंग खराब हो गई तो उस पर लिखा रहेगा सैमसंग ही, लेकिन वो होगी लोकल, तो यूजर तो ये समझेगा कि ये सैमसंग की बैटरी है, ये मैंने मोबाइल लिया अब मैं बैटरी चेंज करा रहा हूँ तो मुझे गलत बैटरी यानी लोकल बैटरी या खराब बैटरी, सैमसंग अच्छी बैटरी प्रोवाइड नहीं करता है, सेट के साथ ही अच्छी आती है, जबकि ऐसा नहीं है। सेंटर पर जाइए आप, सभी सेटों की अच्छी बैटरी मिलती है बढ़िया क्वालिटी के साथ, तो यही होता था। इसीलिए कंपनियों ने, सभी कंपनियों ने ऐसा किया है कि नॉन यूजर मोबाइल बैटरी देना शुरू कर दिया है, क्योंकि आप समझ गए होंगे मेरी बात को, ऐसा ही होता है। अब बात रही मोबाइल हैंग होने की, जो नॉन यूजर मोबाइल बैटरी होती है उसमें मोबाइल हैंग होता है तो क्या करें, जो कंपनियां नॉन यूजर मोबाइल बैटरी रखती हैं तो वो हैंगिंग के लिए भी सुविधा रखती हैं, रिस्टार्ट वगैरह रिबूट जो भी उसके लिए रखते हैं। और मैं तो यही चाहूंगा कि सभी को फ्यूचर ज्यादा आगे बढ़ना चाहिए, जो कंपनी करती है वो सही ही करेंगे, गलत नहीं कहेंगे, वो फ्यूचर के साथ आगे बढ़ रही है, हमें भी फ्यूचर के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप मेरी इस बात को समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, दोस्तों फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ना कहीं मत जाइएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।